जय जोहार। आप मन देखत हो न्यूज 36। आप मन के संग मैं हूँ प्रकाश, और स्वागत है आप मन के हमारे खास कार्यक्रम गढ़बो भविष्य। गढ़बो भविष्य एक ऐसे कार्यक्रम जिसमें हमन बात करथन कि कैसे अपन अपन भविष्य ला गढ़ सकत हो। तो गढ़बो भविष्य के अंतर्गत आज हमन बात करने वाला हन 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा के बारे में कि कैसे का तैयारी रखे जाए, का स्ट्रेटजी रखे जाए, जेखर ले 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा में आप मन सफलता पा सकत हो। और यही विषय में बातचीत करे पर हमारे संग स्टूडियो में मौजूद है अभिषेक सिंह ठाकुर जी। अभिषेक सिंह ठाकुर जी एक ऐसे नाम है जिला शायद ज़्यादा परिचय के जरूरत नहीं है। आप मतलब बता दें कि अभिषेक सिंह ठाकुर जैन साई प्रोफेशनल एकेडमी के चेयरमैन हैं। अगर अचीवमेंट की अगर बात करी तो बेस्ट लीडरशिप अवार्ड, एक्सीलेंस अवार्ड और संगे संग छत्तीसगढ़ शासन के तरफ ले शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करे पर भी छत्तीसगढ़ शासन के तरफ ले अवार्ड मिल चुके हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है अभिषेक जी हमारे स्टूडियो में आज के कार्यक्रम गढ़बो भविष्य में। सभी के जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। तो अभिषेक जी, चर्चा हमन शुरू करबो। आज के हमारे विषय है कि 10वीं 12वीं बोर्ड की तैयारी कैसे करे जाए। 10वीं 12वीं बोर्ड के अगर मैं बात करूं तो एक बहुत ही अहम पड़ाव होते। तो हमारे जो दर्शक मन है जो 10वीं 12वीं बोर्ड में इस साल परीक्षा दिलाने वाला नहीं, तो उखर तरफ ले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर का कुछ तैयारी रखे जाए, का स्ट्रेटजी रखे जाए, जेखर ले जो अभी 10वीं 12वीं बोर्ड की अभी परीक्षा जिन दिलाने वाला है तिन मन सफलता प्राप्त कर सके। देखिए, सभी के छात्र जीवन में 10वीं और 12वीं एक बहुत ही अहम पड़ाव होता है, और सभी माँ बाप और बच्चों की एक बहुत बड़ी इच्छा रहती है कि 10वीं और 12वीं में हम बहुत अच्छे मार्क को प्राप्त करें। पर ये जो समय होता है, ये समय अपने आप में एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टाइम होता है जिसमें आदमी को बहुत कुछ करना होता है। पर इसको हम एक लाइन बाय लाइन हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से हम अपना स्ट्रेटेजी रखें, किस प्रकार से हम अपनी दिनचर्या रखें, किस प्रकार से विषयों को अपन जोड़ दें, किस तरीके से हम उसको तैयारी को करें। जी, तो चलो सीक्वेंस से हम शुरू कर बो। सबसे पहले मैं जानना चाहूँ कि 10वीं 12वीं जो बोर्ड परीक्षा है बहुत ज़्यादा प्रेशर भी रही थे, का कुछ दिनचर्या रखे जाए, का कुछ एक टाइम मैनेजमेंट रखे जाए जेखर ले ज़्यादा परेशानी के सामना झन करेला पड़े। देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि आपका स्ट्रेटेजी फॉलोअप। तो अब चूंकि एग्जाम को बहुत कम समय रह गया है, तो मेरा कहना का मतलब ये है कि आप सभी जो 10वीं और 12वीं में जो बोर्ड में हैं, वो ज़्यादा अभी फोकस अपने विषयों पे कीजिए और ज़्यादा अपना टाइम पढ़ाई पे दीजिए। अच्छा। और साथ ही साथ आपको स्ट्रेटेजी ऐसा रखना है कि आपका सोने का, जागने का, पढ़ने का, साथ ही साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि कहा जाता है पेरेंट्स के द्वारा कि इस समय पे खेला नहीं जाना चाहिए, तो मेरे हिसाब से ये नहीं होना चाहिए। आपको अपने लिए भी थोड़ा समय निकालना है, पर जो ज़्यादा समय आप निकालते हैं उसको आप कम समय पर निकालिए। दिनचर्या ऐसी होनी चाहिए कि कम से कम सोने का टाइम आपका कम से कम 5 घंटे आपको देना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका शारीरिक जब बहुत अच्छे से रहेगा तो आप मानसिक रूप से बहुत अच्छे से अपना काम कर सकते हैं। साथ ही साथ क्या होता है, पढ़ाई आप कर रहे हैं तो पढ़ाई आपको जैसे आप कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, कई लोग की आदत होती है कि 10 से 12 घंटे पढ़ने की, तो 10 से 12 घंटा कंटिन्यू ना पढ़ के आप इंटरवल इंटरवल में पढ़िए। जैसे खाने के से पहले आप थोड़ा पढ़िए, खाने के बाद आप थोड़ा पढ़िए, मतलब आप, और साथ ही साथ जैसे 2 घंटे 3 घंटा बैठ रहे हैं तो आपको 10 मिनट का ब्रेक आपको चाहिए होता है। उस 10 मिनट में आप चाहे जिससे आपकी हॉबी होती है, चाहे संगीत सुना संगीत सुन लीजिए, थोड़ा टहलना टहल लीजिए, तो थोड़ा फ्रेश वातावरण का भी आप माहौल उसमें ले सकते हैं। तो इस प्रकार से दिनचर्या, और प्लस आपको क्या होना चाहिए कि जो दिनचर्या आप रख रहे हैं तो एक आपको टाइम टेबल के हिसाब से चलना होता है। इस समय पे टाइम टेबल के हिसाब से अगर आप चलते हैं तो क्या होता है कि आप एक डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं। डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं तो क्या होता है, जैसे एक सब्जेक्ट का विषय आपने रखा हुआ, जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि रात के समय में आप कोई चीज याद करने वाली अगर आप चाहेंगे तो नहीं कर सकते। उस समय पे चाहे आप गणित बना सकते हैं या जैसे आप कोई प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है उस समय पे आप कर सकते हैं। अब प्रातःकालीन जब आप उठते हैं तो जैसे भोर के समय ये उठना बोलते हैं बहुत अच्छा होता है, तो 4 से 5 के टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, जो सब्जेक्ट याद करना है, जो विषय को तैयारी करना है, उस तरीके से आप कर सकते हैं। जी, तो कहे का मतलब ये है कि बहुत लंबा समय तक ना पढ़े जाए, पढ़ाई के दौरान बीच बीच में ब्रेक लेना चाहिए। जो भी आप मन की हॉबी है ओला आप मन वो हॉबी ला थोड़ा सा समय दे सकता हो, संगीत सुन सकता हो और फिर से रिचार्ज होके फिर से पढ़ाई ला जारी करो। जी, अभिषेक जी अगर बात करी खान पान के, परीक्षा के दौरान खान पान के भी अपन एक महत्व होते, काबर की जब शरीर ला ऊर्जा मिली तभी शरीर ह काम कर पाही। कौन तरह के खान पान रखे जाए और का कुछ अपन खान पान में शामिल करे जाए।
जी, इसमें सबसे अच्छी बात ये बोल सकते हैं कि जो खाने पीने की दिनचर्या है वो आपको एक संतुलित आहार किस प्रकार से ले सकते हैं, इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। जैसे आप सुबह उठते हैं, तो सुबह उठने के बाद आप जो सुबह जो क्योंकि बोला जाता है कि बोर्ड में आप उठ रहे हैं, सुबह आपको उठना पड़ता है, तो सुबह उठे तो ब्रेकफास्ट आपका टाइम होना चाहिए जिसमें आप मतलब हैवी डाइट ना लेकर जो एक थोड़ा सा अपने आप को रिचार्ज कर सकते हैं उस प्रकार से, जैसे आप दलिया ले सकते हैं, है ना, मूंग का खा सकते हैं, इस तरीके से चीज़ें आप क्या है उसको आप नाश्ते के रूप में ले सकते हैं। जी पर नाश्ता किस प्रकार से, जो ऑयली नहीं होना चाहिए, ठीक है। है ना, और प्लस जैसे इस समय मतलब मैं बोलूँ जो ज़्यादा मांसाहारी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि वो डाइजेस्टिव नहीं हो रहा, क्योंकि मौसम चेंज होता है, आपको पता है कि ठंड के बाद थोड़ा सा मौसम थोड़ा, मकर चेंज। संक्रांति चूंकि आ गया है तो मकर संक्रांति के बाद क्या होता है कि थोड़ा सा चीज़ें मतलब मौसम चेंज होने पे क्या होता है थोड़ा सा शरीर पे इफेक्ट पड़ता है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं कि खाने में आप डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए, दूध लीजिए प्रॉपर, आप बादाम लीजिए, जैसे बोला जाता है कि रात में आप सोते हैं तो सोने के टाइम आप क्या कर लीजिए, थोड़ा दो चार आप बादाम भिगा लीजिए, जी अंजीर भी गा लीजिए, उसको खाने पे क्या होता है एक अलग से एनर्जी रहती है। प्लस आप टाइम टू टाइम थोड़ा सा जैसे होता है कि आप खाना नहीं खा रहे हैं तो जूस ले सकते हैं आप, जैसे दोपहर के समय में होता है कि खाना खाने के बाद जैसे 2 से 6 के बीच होता है उस पर आप क्या कर सकते हैं, ठीक। आप जूस वूस भी ले सकते हैं, और रात में ज़्यादा हैवी डाइट नहीं लेना चाहिए, और दोपहर में भी आप जब खाना लेते हैं चावल लेते हैं तो चावल अगर आप दोपहर पे ले रहे हैं तो हाँ रात में मैं बिल्कुल बच्चों से ये कहना चाहूँगा कि आप रोटी लीजिए, क्योंकि आपका अच्छा। थोड़ा सा जगने का भी थोड़ा टाइम बढ़ जाएगा, और प्लस आप सोएंगे तो क्या होगा संतुलित आपका सारी चीज़ें रहेंगी। जी बिल्कुल, ये आप मन बहुत अच्छा बात बताया हो कि कैसे संतुलित भोजन करे जाए और कैसे वो तरह के भोजन लिया जाए जेखर ले अधिक से अधिक समय तक पढ़ाई ला अपन जारी रखे जा सके। अभिषेक जी, परीक्षा के दौरान मैं देखता हूँ कि मोबाइल एक बहुत बड़े हानिकारक डिवाइस के रूप में हमारे बीच आगू आते हैं, और आजकल तो जबले इंटरनेट के क्रांति आए हैं लोगन मोबाइल से बहुत ज़्यादा जुड़ गए हैं। मोबाइल ले कैसे दूर रहे जाए, और ये दौरान अगर मोबाइल के ज़्यादा उपयोग होते तो का कुछ नुकसान हो सकते हैं? देखिए, आज के समय में अगर सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है वो मेरे हिसाब से फ़ोन से बड़ा टाइम वेस्ट वाला समय नहीं है, चाहे वो हम पेरेंट्स की बात करें चाहे हम बच्चों की बात करें। और जैसा कि आपको बता दूं कि आज के टाइम पे सोशल मीडिया और फ़ोन हर जगह पे छाया हुआ है, और कहीं ना कहीं एक अवसाद के रूप में भी उभर कर आया है, प्लस एक बहुत सारे फायदे हैं पर ड्रॉबैक भी बहुत सारे उसके हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा क्योंकि इसमें सबसे बड़ी गलती आप बोल सकते हैं कि एक माता पिता की एक अहम भूमिका भी है, किस प्रकार से कि आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे फ़ोन को तो बच्चे भी उसको सीखेंगे। तो अभी आप क्या कर सकते हैं कि कुछ समय के लिए फ़ोन को साइड रखते हुए आप भी कम से कम यूज़ कीजिए, बच्चों को प्रोत्साहित कीजिए। देखिए क्या होता है कि बच्चा बड़े को देखकर ही सीखता है ना, तो आप क्या कीजिए कि आप फ़ोन को थोड़ा कम यूज़ कीजिए तो बच्चा भी कम यूज़ करेगा। बच्चों को बताइए कि यह है टाइम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और इंपॉर्टेंट किस प्रकार है क्योंकि आप इस 1 महीने 1.5 महीने में अच्छा कर लेंगे तो वो आपका इफेक्ट आपके रिजल्ट पे कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से पड़ता है। तो मेरा कहना मतलब है, मैं माता पिता से ही कहना चाहूंगा कि आप बच्चों को छीनिए मत फोन को, समझाइए कि आपके लिए अभी क्या जरूरी है, और जैसे ही बच्चों सोशल मीडिया से दूर होंगे तो आपके पास एक ही टाइम रहेगा, वो किस चीज के लिए, आपकी पढ़ाई के पढ़ाई लिए। के अब लिए। पढ़ाई आप करते हैं तो पढ़ाई में एक बहुत अच्छा मजा है, अगर विषयों की बात करें तो चाहे हम गणित की बात करें, गणित में आप अगर बैठ गए बनाने के लिए तो आप जब बनाना चालू किया आपसे विषय बहुत अच्छे से बन रहा है तो आपको 3 घंटा कब निकल जाता है पता नहीं चलता सही है। है ना, तो उस तरीके से आपको वो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा। तो उसके लिए देखिए बोलते हैं ना कि बच्चों को अच्छा रिजल्ट दिलाने के लिए जैसे गुरु का हाथ होता है उससे अहम भूमिका इस टाइम पे माँ बाप की होती है, क्योंकि देखिए आपको पता है स्कूल जनवरी में लगभग बंद हो जाती है, पूरा टाइम बच्चे अपने घर पे देते हैं, तो ये घर तो पे है। देते हैं तो आपको माँ बाप को भी उसके हिसाब से आपको भी क्या करना पड़ेगा उनका साथ इस समय मतलब पे अगर देना पड़ेगा उखर परीक्षा है तो माँ बाप के भी परीक्षा रहते बहुत हैं। ज्यादा। मतलब आपको बता दो कि एक माँ बाप को जितना एक अपेक्षा रहती है सही अपने बात है। बच्चों से कि इतना रिजल्ट हमको चाहिए है, तो भाई ऑब्वियस सी बात है इस समय पे आप बच्चे भी चाहते हैं कि पेरेंट्स हमारी सारी चीज़ों को केयर करें, क्योंकि क्या होता है इस समय बहुत मानसिक
दौर से गुजर रहे होते हैं, मतलब उनके टाइम पे ऐसा दिमाग में रहता है कि किस तरीके से अच्छा नंबर लाए। तो मेरा कहना मतलब माँ बाप को कि आप उनको ज्यादा पिंच मत कीजिए, मतलब आप थोड़ा सा उसको समझिए क्या चाह रहा है बच्चा, और बच्चा गुस्सा कर रहा है आपके ऊपर तो उसको समझिए, और बच्चों पर ज्यादा गुस्सा भी मत कीजिए। अच्छा अगर वो खेल रहा है, और मान के चलिए ऐसा होता है, आप जनरली देखे होंगे कि पेरेंट्स आए, वैसे क्या होते हैं, माता दिन भर घर पे रहती है, पिताजी आ रहे हैं, और उस समय बच्चे का एक टाइमिंग है कि वो खेलने निकल रहे हैं, अच्छा तो उस समय पिता को क्या लगता है, पिताजी को, हाँ कि भाई आप अभी खेल रहे हो, पढ़ाई हाँ कब करोगे। सही तो उस है। समय बच्चा फिर क्या होता है, अवसादग्रस्त हो जाता है कि अभी निकला हुआ मुझे टोक दिया। तो टोकना जो होता है, टोका टाकी ना करते हुए बच्चों को समझिए, समझाया जाए। और इसमें क्या होता है, माता और पिता दोनों को एक सामंजस्य और संतुलन बना के बच्चों को मोटिवेट करते रहना चाहिए, बेटा तुम कर लोगे, अच्छा कर लोगे। मतलब मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से बिल्कुल समझाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी इस समय बोलते हैं कि आपका जो डेली का रूटीन होता है वो थोड़ा चेंज हो जाता है बच्चों को लेते हुए, तो बच्चों को समझना बहुत जरूरी है, जी और बच्चों का साथ दीजिए, और बच्चों को समझिए। और बच्चा जो चाह रहा है, एक माँ बाप से अच्छा कोई नहीं समझ सकता है कि सही उसको क्या चाहिए, क्या समझ में नहीं आ पा रहा है, दिक्कत हो रहा है। तो मैं तो कहता हूँ कि पेरेंट्स भी बैठिए, मतलब ये भी होता है कि हम देखे हैं जनरली कि कई पेरेंट्स होते हैं पढ़े लिखे नहीं होते, तो भाई हम क्या पढ़ाएं, तो ठीक है आप पढ़ा लिखा नहीं सकते, लेकिन उस चीज को जो बता रहे हो उस चीज को सुन सकते हैं। तो जी इस तरीके से चीजें आपको दिनचर्या में लानी चाहिए। जी जी बिल्कुल। तो बहुत सुग्घर सुग्घर जानकारी देवत है अभिषेक सिंह ठाकुर, चेयरमैन साई प्रोफेशनल एकेडमी के। तो अभी आओ चर्चा हमार जारी रही, आओ जब आगू जब हमन ब्रेक के बाद जब आप मन सो मिलबो तो फिर से ए बारे में चर्चा करबो कि अब का कुछ तैयारी करे जाए कि जेखर ले अच्छा परिणाम आप मन ला ये बोर्ड एग्जाम में मिल सके। तो संगवारी हो छोटे से ब्रेक बर यहाँ रुका था, ब्रेक के बाद फिर मिलबो। आप मन बने रहो हमार संग, देखत रहो न्यूज़ 36। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आप मन के। और गढ़बो भविष्य के अंतर्गत हमन बात करत हैं 10वीं 12वीं बोर्ड एग्जाम के तैयारी कैसे करे जाए। अभिषेक अगर मैं बात करूं बोर्ड एग्जाम के, जी बहुत ज़्यादा प्रेशर होते हैं जो लइकन हैं 10वीं 12वीं के, जी बहुत ज़्यादा टेंशन रहे लगते कि 10वीं 12वीं है, बहुत ज़्यादा अपेक्षा भी रही थे, चाहे बात करी माता पिता के, चाहे बात करी शिक्षक मन के, खासकर जो टॉपर रहते तिन मन तो और ज़्यादा प्रेशर लेते बिल्कुल हैं। बिल्कुल तो ये समय में प्रेशर ला कैसे हैंडल करे जाए। जी। जब बात हम प्रेशर की करते हैं तो प्रेशर टर्म आने से पहले हमको ये समझ जरूर कि प्रेशर डेवलप कैसे हो रहा है। अच्छा देखिए प्रेशर को अलग अलग तरीके से हम समझ सकते हैं। टॉपर के लिए प्रेशर रहता है कि हम कैसे टॉप करें, कैसे, क्योंकि देखिए प्रेशर का मतलब अपेक्षा, माँ बाप की अपेक्षा टॉपर से कि बेटा तुम बहुत अच्छा नंबर लाओगे। एक गुरु की भूमिका, उससे अपेक्षा कि बेटा तुम हमारे स्कूल का नाम करोगे। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जब कोई टॉपर बच्चा होता है तो उससे ये अपेक्षा रखी जाती है कि बेटा तुम इस देश, इस हमारे राज्य, हमारे शहर का नाम रोशन रोशन करूँगा। तो माँ बाप का क्या होता है, देखिए इसमें होता क्या है कि माँ बाप सबसे ज़्यादा अपेक्षा रख लेते हैं अपने बच्चों से, ना चाहते हो कि पता है कि बच्चा उतना नहीं कर पाएगा, तो उस लिए क्या हो जाता है, अपने आप पर प्रेशर लेना चालू कर देता है। और आपको बता दूं, जैसा कि आपको पता है कुछ सालों से यही प्रेशर के चक्कर में बच्चे आत्महत्या तक भी कर लेते हैं। तो मैं गुरु, शिक्षक, माता पिता को यही कहना चाहूँगा कि आप उस प्रेशर को डेवलप करने से पहले आप उस चीज़ को समझिए कि प्रेशर हम कितना ज़्यादा डेवलप करें बच्चों को। देखिए एक समझाना और प्रेशर डेवलप करना, जिसको करना है वो तो खुद कर लेगा, आपको केवल मार्गदर्शन की जरूरत होती ठीक। है ना। और दूसरा प्रेशर की बात करो तो आपको पता है कि परीक्षा जो पास करने वाले बच्चे रहते हैं जो इस समय तक कुछ नहीं किए हुए हैं, उनके लिए प्रेशर रहता है कि मैं किस तरीके से चीज़ों को पास करूँ। तो ये प्रेशर को हैंडल कैसे कर सकते हैं, तो देखिए बच्चों को तो नंबर लाना है, और ना चाहते हुए आपको पता है एक परीक्षा एक ऐसा शब्द है सही जिसका बात है। नाम सुनते ही बच्चों के अंदर एक डर अपने आप एक आना तय होता है। तो ये जो परीक्षा है ये परीक्षा को डर के प्रेशर को कैसे हैंडल करें, तो देखिए सबसे अच्छा एक होता है व्यायाम। आप व्यायाम कर सकते हैं,
है ना, योग वगैरह योग में कर से। सकते हैं। तो मैं तो कहता हूं कि हर बच्चों को इस समय पे 10 मिनट अपना योग और चिंतन मनन करना ही चाहिए। जब आप क्या करते हैं, एकाग्रचित होकर आप मनन करते हैं, तो एक तो आपका दिमाग शांत होता है, प्लस इस प्रेशर को कैसे कर सकते हैं, तो प्रेशर डेवलप करने से अच्छा है कि बच्चों को आप मोटिवेट करिए कि भाई बेटा आप अच्छा कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। जैसे क्या होता है, बच्चा परेशान हो जाता है प्रेशर, मम्मी नहीं हो पा रहा मेरे से, या पापा नहीं हो पा रहा मेरे से, या गुरु को बोल रहा है मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो इस समय क्या होता है, थोड़ा सा बच्चा मोरल डाउन होता है। क्योंकि क्या होता है, इस समय एक सब्जेक्ट की तैयारी आपके पास नहीं होती करने की, ठीक। कई प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं आपको तैयारी करना, और आपको पता है कि एक सब्जेक्ट से टॉप तो नहीं किया जा सकता, सभी को बराबर आपको संतुलित तरीके से आपको समय देना पड़ता है। तो प्रेशर हैंडल कैसे कर सकते हैं, तो मैं तो बोलता हूँ एक डिसिप्लिन जिन्होंने टाइम टेबल बना लिया कि भाई इस समय मुझे ये करना है तो यही करना है, इसके बाद मुझे ये करना है, तो उसके बाद क्या होगा कि आप उस प्रेशर को धीरे 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 करते आप क्या कर सकते हो, उसको आप हैंडल कर सकते हो। अब प्रेशर देखिए, प्रेशर इंसान अगर ले रहा है तो किस प्रकार से लेगा ये भी डिपेंड करता है। टॉपर के लिए प्रेशर, एक मध्यम के लिए प्रेशर और एक लो के लिए प्रेशर, सबके एक प्रेशर की एक अलग अलग परिभाषा सबके होती है। परिभाषा है। आप माँ बाप के लिए बोलेंगे एक प्रेशर की परिभाषा अलग है, क्योंकि आपको बता दो ये परीक्षा केवल एक बच्चे की नहीं होती है बोर्ड के लिए, एक माँ बाप के लिए होती है। क्योंकि बच्चों को जब पढ़ाया जाता है तो हमेशा बोला जाता है कि 10वीं 12वीं आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, और हमको ही पता है सही कि बात है। कैरियर बनाने के लिए एक 10वीं और 12वीं बहुत ही एक अहम पड़ाव होता है। तो इसमें क्या होता है, प्रेशर को आपको रिलीज कैसे करना है, इस पे जो अहम भूमिका निभा सकता है उसके आसपास के लोग। जैसे अगर कोई घर में बड़े भाई बहन है तो उसको क्या करना है, समझाना है, कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आपको पैनिक नहीं करते हुए उस चीजों को हल निकालना है कि किस प्रकार से मैं हल निकाल सकता हूँ। और देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, इस समय पे ऐसा होता है कि अगर आपसे कोई चीज नहीं हो रहा है तो मैं तो कहूंगा कि जो नहीं हो रहा है उसको ना करते हुए जो सबसे अच्छा रहा उसको आप क्या करिए, स्ट्रॉन्ग कीजिए। तो अच्छा। प्रेशर आप क्या कर सकते हैं, आप धीरे धीरे रिलीज कर सकते हैं। देखिए नहीं बन रहा है प्रेशर लेंगे तो जो बन रहा है वो भी बिगड़ सकता ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। है ना। तो ये प्रेशर आप ना लेते हुए आप क्या कीजिए, एकदम शांत रहिए। देखिए अभी क्या बोला जा रहा है, अभी जस्ट हाल ही में हमको सुनने में आ रहा है कि एग्जाम कुछ समय पहले हो रहा है, 10 दिन पहले हो रहा है एग्जाम। तो देखिए मेरा कहना मतलब है, समय आगे हो या पीछे हो, परीक्षा हाँ तो परीक्षा सही है बात ना। तो आप क्या कीजिए, आप उस चीज को संतुलित समझिए कि आपको परीक्षा देना है, आज भी देना है या कल देना है, देना तो पेपर है ही आपको। तो आप ये कीजिए, स्ट्रेटेजी फॉलो अप करके प्रेशर नहीं लीजिए। मैं तो बोलता हूँ देखिए, हंसी मजाक खेलते कूदते जो एग्जाम जो दे सकता है बच्चा, है ना, वो कोई और नहीं कर सकता। इसका उदाहरण हम कैसे कर सकते हैं, एक क्रिकेट से जोड़ सकते हैं। अच्छा। देखिए जब पता है कि 90 रन अगर पूरी टीम इंडिया या कोई भी इंडिया या कोई भी ऑल आउट हो, कोई भी देश, तो जब इंडिया खेलने के लिए जाए या कोई भी देश खेलने को जा रहा है तो वो प्रेशर में खेलेगा कि हंसी मजाक खेलेगा। और उस समय ऐसा भी होता है कि अकेला एक ही 50-60 रन मार दे और एक 20 रन मार दे और पूरा टीम को जिता दे जाए। जिता दे। तो ये क्या हुआ, एक समझने के ऊपर आपने प्रेशर को क्या किया, कम लिया। लेकिन अगर मैं बात करूं, यही अगर 300-350 रन भी है तो आप क्या प्रेशर लेंगे तो जीतेंगे मैच, कि धीरे धीरे करके आप खेलेंगे तो अच्छे से, मतलब आपको एक संतुलित आपने संयोजित कर लिया उस चीज को, तो आप उस मैच को जिता ले जाएंगे। सेम ये पढ़ाई में होता है, सब सब्जेक्ट में नंबर लाना है, सब हाँ। सब्जेक्ट 100 नंबर का है, सब सब्जेक्ट में 100 नंबर लाना है, तो सब सब्जेक्ट में 100 नंबर आप नहीं ला पाएंगे, आपको पता है, हमको पता है, सबको पता है, हाँ। पर अच्छे से अच्छा मार्क्स कैसे ला सकते हैं इस पे हमको ध्यान देना है। अब मुझे पता है मुझसे हिंदी नहीं बन रहा अच्छे से, पर अंग्रेजी अच्छा बन रहा है तो मैं अंग्रेजी में अच्छा नंबर लाके क्या करूँ, संतुलित कर लूँ, तो प्रेशर यहाँ पर अपने आप क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा। कम हो जाए। ठीक। सही बात है। बहुत अच्छा सुझाव आप मन के मिले है कि जो नहीं बना थे ओखर ऊपर ज्यादा फोकस ना करते हुए जो बना थे ओखर ऊपर जी फोकस करे जाए, जी और जो जो मार्क्स है जी ओला गेन करे जाए। तो अब जैसे अभी चर्चा के दौरान अपन बताया हो कि सबकी परिभाषा अलग है प्रेशर के, जी टॉपर अलग तरह के प्रेशर लेते, जो एवरेज स्टूडेंट है वो अलग जी प्रेशर लेते, जी और जो पढ़ाई में थोड़ा कमजोर है वो अलग प्रेशर लेते जी हैं। जी अब मैं यही तीनों के बारे में पूछना चाहता हूँ। जी अभी अगर बहुत कम दिन बचे हैं बोर्ड जी एग्जाम जी में, जी ज़्यादा समय नहीं बचे हैं, एक टॉपर के लिए का स्ट्रेटजी होना चाहिए, जी एक मध्यम जो छात्र है उखर का स्ट्रेटजी होना चाहिए, जी और एक ऐसे छात्र जिन ये सोचा था कि पास होए के समस्या आ सकत है, जी वो कौन तरह के स्ट्रेटजी रखा है ये बोर्ड एग्जाम में। जी ठीक है। अपन जब इसको शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि उन कैटेगरी की बात करें जो सबसे ज़्यादा लो है,
क्यों लोग हैं? क्योंकि आपको बता दूं, अगर प्रतिशत की बात करो तो सबसे ज्यादा प्रतिशत जो है इन्हीं की है, सबसे ज्यादा परसेंटेज इन्हीं की है जिनको पास होने के लिए कोशिश करनी पड़ती है। क्योंकि अगर टॉपर की बात करें तो आपको बता दूं, टॉपर की जो प्रतिशत होती है वो 4 से 5%, अच्छा, बाकी 30 से 40% होती है आपकी जो मध्यम एवरेज, जो जो बोलते हैं हम रखते हैं कैटेगरी 60 से 80, 85, 90 की पहले, और जो टॉपर होते हैं 90 के ऊपर, हम ऐसा जनरली हम सोचते हैं कि 90 के ऊपर है जो टॉपर कहलाते हैं, 60 से 90 वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक एवरेज स्टूडेंट कहलाते हैं, अच्छे स्टूडेंट कहलाते हैं। लेकिन 50 से नीचे, 60 से नीचे जो बच्चे होते हैं जिनको पास होना है, तो उनके लिए एक अलग प्रेसिडी होती है। तो मेरा कहना मतलब ये है कि जो लो बच्चे हैं जिनको पढ़ाई की तैयारी नहीं हो पाई है, मैं उन बच्चों को बताना चाहूंगा कि जो बच्चे अभी कुछ नहीं कर पाए तो डरने की जरूरत नहीं है, आप अभी भी कर सकते हैं। अच्छा। और आपको प्रेशर अगर लग रहा है कि हम पास नहीं हो पाएंगे, आप पास हो सकते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा, आप एक काम कीजिए, जो बच्चे अभी पास होना चाहते हैं, पिछले 5 सालों का प्रश्न पत्र आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। और आज पहले तो ऐसा होता था कि केवल अनसॉल्व पेपर आते थे, अब तो अनसॉल्व के साथ सॉल्यूशन भी दिया है, आप उसको अच्छे से कर लीजिए तैयारी। अब प्लस थोड़ा बहुत जो आपके गुरु हैं, जो एक बहुत अच्छा मार्गदर्शन देते हैं क्या इंपॉर्टेंट है किस प्रकार से, उसको आप कर लीजिए, और जो आपको समझ नहीं आ पा रहा है अपने बड़े भाई बहनों से थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। लेकिन आप थोड़ा थोड़ा करके अगर आप डेली करना चालू कर दिए तो आप आराम से पास हो सकते हैं। मतलब विषयों का चयन जो है, देखिए जो सब्जेक्ट आपसे नहीं बन रहा है, जैसे प्रायः हम जानते हैं कि 10वीं वालों के लिए खासकर गणित एक बहुत ऐसा सब्जेक्ट होता है जो बहुत हार्ड होता है, साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट होता है बहुत हार्ड होता है, बाकी तो बच्चे कर भी लेते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा ज्यादा ज्यादा समय आप उसमें दीजिए, सॉल्व कीजिए। और फिर से मैं वही बोलना चाहूंगा, जो चैप्टर, जो विषय, जो टॉपिक सबसे अच्छा बन रहा है, अच्छा, उसको आप प्रो प्रॉपर फोकस मतलब 100% दे दीजिए। आप जो आप सोच रहे होंगे आप फेल हो जाएंगे, वो आप पैसे पास की कैटेगरी। और मैं तो कहता हूं कि अगर आप ऐसी दिनचर्या बना लिए, एक डिसिप्लिन आपने टाइम टेबल बना लिया, हो सकता है फल जो जल्दी पास हो जाए। सही बात है। अब प्लस अब आते हैं मध्यम में। मध्यम मध्यम का ऐसा होता है कि वो कोशिश करता है टॉप करने की, वो कोशिश करता है टॉप करने की। तो टॉप कैसे करना है, वो स्ट्रेटेजी ना बना के कि भाई मुझे कितना परसेंट लाना है। अब देखिए प्रतिशत के पीछे अगर भागेगा तो अगर 100% सोच रहा है तो उसका 90 आएगा, 90 सोच रहा है तो 80-85 आएगा। तो उसको क्या होता है, अपना माइंड सेटअप रखना है कि मैं कैसे अच्छे से। तो उनको क्या है, जो भी बुक बहुत अच्छे बाजार में बहुत सारे बुक्स आते हैं, जैसे अनसॉल्व की बात करूं या गेसिंग पेपर की होती है, इन बच्चों को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व इनको करना चाहिए। कारण क्या कि होता क्या है कि सब्जेक्ट का टॉपिक या कोई विषय में जो प्रश्न होते हैं वो चेंज नहीं होता है। चेंज क्या होता है, पूछने का तरीका, हर साल उसको तरीकों को चेंज करते हैं, बस उसको आपको भापना है, उसकी तैयारी आपकी स्ट्रेटेजी फॉलो करके उसको क्या करना है, आपको अच्छे से अच्छा आपको अपना बेस्ट देना है। मतलब आप एवरेज स्टूडेंट में आपको क्या होता है कि आपको परसेंट लाना होता है, जो 60 वाला सोचता है मैं 80 लाऊं, 80 वाला सोचता है मैं 90 लाऊं। तो इसको आप क्या करना चाहिए आपको कि एक प्रॉपर स्ट्रिक्ट जो गाइडलाइन है उसको आप फॉलो कर कीजिए कि आपको, क्योंकि क्या होता है आप देखे होंगे कि एवरेज स्टूडेंट की तैयारी लगभग पूरी हो जा रही है इस समय तक, अभी रिविजन पार्ट चालू होता है। अब मैं बोलूंगा टॉपर की, टॉपर में भी थोड़ी देर में आएंगे, टॉपर में क्या होता है कि वो रिवीजन नहीं, वो डबल और ट्रिपल रिवीजन कर रहे होते हैं, उनको बस ये रहता है कि कितना वो, आप बोलेंगे वो कौन सॉल्ट की बात करेंगे, वन सॉल्ट की तैयारी अपने आप कर लिए रहते हैं। मतलब उनको क्या रहता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है ना। तो मध्यम वाले को बस मैं यही कहना चाहूंगा कि जो क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत सालों से पूछे जा रहे हैं, उनको आप तैयारी करके रखिए। और फिर से जो चैप्टर आपसे बस बहुत अच्छे से बन रहा है उस चैप्टर की पूरी 100% तैयारी कर लीजिए। अच्छा। आपका परसेंट इंक्रीज होगा ही होगा। लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण जो मैं बताना चाहूंगा, जो आप कर सकते हैं उपाय, वो ये है कि अपने आप को एक बहुत अच्छे से डिसिप्लिन आपको मेंटेन करके रखना रखना है। अब बात करते हैं टॉपर, टॉपर टॉपर आपको बता दूं 4 से 5%। और ये बच्चे ऐसे होते हैं, बोलते हैं कि इनको आपको ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं, बस इनका आप सपोर्ट करते चलिए, मतलब माँ बाप उसको सपोर्ट करते चलिए, ज्यादा अपेक्षा ना रखे। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर बिना प्रेशर के इन बच्चों को आप बहुत अच्छे से करा दिए तो ये बच्चे, यही बच्चे जो टॉपर लिस्ट में टॉप 10 में यही बच्चे आते हैं। अभी कैसे तैयारी करें, इनको सब्जेक्ट में ज्यादा तैयारी करने की जरूरत नहीं है, इनको क्या चाहिए एक प्रॉपर सारी चीजों को कैसे मेंटेन करना है, जैसे सब्जेक्ट। अब इनके लिए तो सभी विषय है, जैसे मैं आपको बताया कि कई बच्चों, जैसे लो बच्चे हैं, मध्यम बच्चे हैं, हाँ। उनके लिए सब सब्जेक्ट महत्वपूर्ण है, लेकिन टॉपर के लिए सभी सब्जेक्ट महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनको सब में 100-100-100 का अगर तैयारी करेंगे, क्योंकि टॉपर बनना है मतलब आपको पता है कि प्रतियोगिता कितनी बढ़ गई है। पहले 95% को बहुत हाईल बोला था, आजकल 99% 99.58% भी लाना आप कॉमन हो चुका है। तो उस
बच्चों के लिए क्या आ गया, एक टास्क आ गया। तो मैं कहना चाहूंगा पिछले साल का आप देखिए कि मॉडर्न आंसर जो आते हैं, जो टॉपर है वो किस प्रकार से लिखे हैं, उसको आप क्या कीजिए, अध्ययन कीजिए। टॉपर बनना है तो आपको क्या करना है कि जो बच्चे टॉप किए हैं उनके आजकल आपको आंसर शीट भी जारी किए जाते हैं, उनको आप गहन अध्ययन, हाँ बिल्कुल, ये गहन अध्ययन कीजिए। गहन अध्ययन करने के बाद किस प्रकार से उसने लिखा है, लिखने की तैयारी कीजिए। मतलब आप क्या कीजिए, तीन पेपर का जो पेपर है, गेसिंग पेपर है, उसको आप सॉल्व कीजिए। दो घंटे में मैं कैसे करूँ, डेढ़ घंटे में कैसे कर लूँ। तो जब आप डेढ़ घंटे दो घंटे में पेपर सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास एक घंटा बचेगा उस चीज़ को क्या करने के लिए, निखारने के लिए, अगर कुछ बच गया तो उसमें डाल दूँ। और मैं कहना चाहूँगा जो पेपर आप बनाते हैं तो उस पेपर में हमेशा एक दो लाइन छोड़कर रखिए, ताकि कुछ चीज़ अगर जरूरत पड़ गया तो आप उसको ले सकें। ये टॉपर को मैं खासकर बोलना चाहूँगा एग्जाम के आने से पहले। लेकिन ये तो हुए एग्जाम के पहले के बाद, परीक्षा के पहले के बाद, परीक्षा के दिन का कुछ ध्यान में रखना चाहिए। हाँ, ये आपने बहुत अच्छा कि वो जो तीन घंटा रही थे वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रही थे। कई बार ऐसे होते कि तैयारी बहुत अच्छा रही थे लेकिन वो परीक्षा के तीन घंटा में जो छात्र है वो बहुत उतना ज्यादा प्रेशर ला हैंडल नहीं कर पाए, या फिर कहे जाए कि अगर एको दो प्रश्न बिगड़ गए तो ओखर बाद फिर ओखर जो कहे जाए कि मतलब मॉरल ओखर डाउन हो जाते हैं, और ओखर बाद फिर वो लगते कि अरे अब तो बस अब कहाँ, अब उतना नंबर आ पाए। तो जब ऐसा समय अगर आ गए तब क्या करना चाहिए? जी, मैं जब पेपर के टाइम की बात करूंगा तब इसको अपन इस तरीके समझ सकते हैं कि पेपर के एक रात पहले और पेपर में देने जाने से के तक आपको कैसे अपना फॉलोअप करना चाहिए। जब आप पेपर देने जा रहे हैं उससे पहले एक दिन रात आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए, क्योंकि देखिए अब तो समय आ चुका है कि अब आपको जाना है और एग्जाम को देना है। अच्छा। तो मेरे हिसाब से जो आपने रिविजन करके रखा हुआ है तो क्या होता है, मैं कहना चाहूंगा जो ऑलरेडी जो आप नोट्स बना के रखते हैं पॉइंट टू पॉइंट, क्योंकि सब छात्र के जीवन में होता है कि एक छोटा सा नोट्स बना के रखते हैं एग्जाम में कि आप उसको क्या कर सके, कि उसको लास्ट दिन में आप तैयारी कर सके, केवल उसे कीजिए। अब जो नहीं बन रहा है उसको पूरे तरीके से छोड़ दीजिए। अच्छा। अब उस तीन घंटे में जा रहे हैं तो मैं तीन घंटे बताना चाहूंगा सबसे ईजी टास्क है, आप बहुत अच्छे से पास हो जाएंगे, बहुत अच्छा आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं वो सबसे अच्छा आपको बताना चाहूंगा कि आप तीन घंटे पेपर, जैसे पेपर आपके पास आया तो आप ये समझ लीजिए, आप अपने मन में कीजिए कि ये पेपर केवल मैं बना सकता हूँ, कोई और नहीं। अच्छा। ये पेपर केवल मैं ही बनाने बैठा हूँ और कोई नहीं, अपने आपसे कहिए। तो अच्छा। क्या होता है जब अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस रखता है तो आपकी चीजें, एक तो मोरल जो डाउन रहती है क्योंकि डर रहता है कि पेपर अच्छा है कि, और आपको पता होगा सेट सेट में आता है ए बी सी डी सेट पे, तो सेट को डरना नहीं है, जो सेट आया मेरे लिए बना है। आप क्या कीजिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं एक दो नंबर वाले प्रश्न जितने घुमावदार होते हैं उससे कहीं डायरेक्ट प्रश्न होते हैं पांच चार पांच नंबर वाले पेपर। तो चार पांच अंक के जो पेपर है उसको जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको पहले सॉल्व कीजिए। अब अच्छा। कैसे बता रहा हूँ, अगर चार से पांच छह क्वेश्चन, क्योंकि 33% आपको लाने के लिए पास होना पड़ता है, अब आपने चार से पांच क्वेश्चन बना लिया सही शॉर्ट, और एक टीचर जो बोर्ड में पेपर चेक भी करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा इंपैक्ट डालता है कि आपने बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो छोटे क्वेश्चन में थोड़ा बहुत आप मिस्टेक करते हैं तो उसको भी नंबर के रूप में आपको अच्छे नंबर दिए जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप चार पांच नंबर वाले प्रश्नों को ज्यादा ज्यादा सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और वो आपसे जल्दी बनेगा। ये एक रिसर्च है कि आप चार पांच वाले क्वेश्चन को जल्दी बनाते हैं तो आपके अंदर ऑलरेडी कॉन्फिडेंट बिल्ड हो गया कि आपने पास को कर लिया, मतलब 30% आपने लाने के कहीं ना कहीं से आपने उसको जुगाड़ तो कर लिया है। अब आपको क्या करना है, अब टॉप, अब नंबर लाना है, क्योंकि एक दो नंबर बनाएंगे समय उसमें भी लगना है, चार पांच नंबर बनाएंगे तो भी समय लगना है। और आपने जैसे ही एक पड़ाव पार कर लिया, जो बोलना चाहिए सेक्शन डी और सी को बोला जाता है कि चार पांच नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं, उसको आपने प्रॉपर बना लिया तो आपके पास इतने समय बचते हैं कि आपने फिर तीन दो नंबर एक नंबर वाला तो आप आराम से सोच के बना सकते हैं। और आपको बता दूं परेशान करने वाले एक दो नंबर वाले ही होते हैं, चार पांच नंबर वाले तो होते हैं। खबर सटीक आंसर देना जी, 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 जी बिल्कुल। अभिषेक, अगर हम बात करिए ये बोर्ड एग्जाम के दौरान जो सबसे ज्यादा जिन विषय लेने के बात होते हैं वो होते हैं गणित, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एकर पीछू लोगन बहुत ज्यादा परेशान रहते थे कि कैसे एकर तैयारी करे जाए। तो आप मन से मैं जानना चाहूँ कि जिन भी ये विषय ला चुने हैं वो मन ये विषय की तैयारी कैसे करें? जी देखिए, बात जब हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और बायो की करते हैं तो ये दसवीं को भी लेते हैं और बारहवीं को भी लेकर चलते हैं। कैसे, दसवीं वालों के लिए सब्जेक्ट रहता है मैथ्स और साइंस, तो मैथ्स को मैं तो ये कहना चाहूंगा कि मैथ्स से अच्छा विषय कुछ भी नहीं है अगर आपने कर लिया तो। जैसे कि होता क्या है कि एक वीक स्टूडेंट भी जो है
ऐसा नहीं कि उससे मैथ्स नहीं बनता है, मैथ्स के कुछ चैप्टर्स उससे नहीं बनते हैं। अच्छा, टॉपर का तो पूरा चैप्टर बनता है, मध्यम के लिए भी थोड़ा बहुत एक बन जाता है, पर दिक्कतें आती हैं। तो आप मैथ्स में ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस मतलब कैसे, कि आपने जो सब्जेक्ट को करके रखा हुआ है, जिस टॉपिक को करके रखा है, जिस चैप्टर को करके रखा है, आपको तो पता है पहले वो 3 घंटे में बनता था, अब मैं 1 घंटे में बना लूंगा। तो आप सरसरी निगाहों में पूरा उसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, ये कर लीजिए। अब क्या होता है कि मैथ्स ग्रुप की बात करूँ, 12th में बायो ग्रुप की बात करूँ, तो मैथ्स वालों के लिए जनरली होता है कि फिजिक्स ईजी लगता है। अब बायो वाले के लिए क्या होता है कि थोड़ा फिजिक्स टफ लगता है, क्यों, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं। और क्या होता है कि मैथ्स और बायो में बस यही एक दिक्कत होती है कि थोड़ा सा क्रिएटिव माइंड होता है मैथ्स वालों का, तभी वो क्या करते हैं, क्योंकि वो मैथ्स को सॉल्व कर रहे होते हैं, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना उनके लिए ज़्यादा हार्ड नहीं होता। अब यही बात करूँ मैथ्स वालों की, तो थोड़ा केमिस्ट्री उनके लिए क्या होता है, थोड़ा हार्ड जाता है, क्योंकि उसमें याद करनी होती है। और कहा जाता है कि बायो वालों को क्या चीज़ें बहुत जल्दी याद होती हैं। तो क्या होता है कि आप अब इसमें देखिए, दोनों तरीके से अगर बात करें तो मैथ्स वालों के लिए फिजिक्स ईजी है, बायो वाले के लिए क्या ईजी है, बायोकेमिस्ट्री। तो क्या है, आप दोनों में सामंजस्य आप बना सकते हैं। तो आप क्या कीजिए कि आपसे जो नहीं बन रहे, आपको पता है बायो वाले को बायो अच्छे से बनता है, मैथ्स वाले को मैथ्स अच्छे से बनता है, पर अब बात आ रही है फिजिक्स और केमिस्ट्री की, तो फिजिक्स को क्या कीजिए, आपको पता है 30-40% न्यूमेरिकल्स, 60% आपका क्या आता है, आपका थ्योरी सब्जेक्ट, तो थ्योरी पे आप ध्यान दीजिए। अब यहीं पर क्या है कि आपसे न्यूमेरिकल अच्छा बन रहा था, थ्योरी नहीं बन रहा था, आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, मार्क्स अच्छे से अच्छे ला सकते हैं। केमिस्ट्री भी सेम होता है, न्यूमेरिकल भी होते हैं, और आपके कुछ क्वेश्चन आपके थ्योरेटिकल भी होते हैं। इस तरीके से क्या है, सामंजस्य और संतुलन आप बना सकते हैं। तो ये तो हो गई एक हर बात। आर्ट्स के जो स्टूडेंट्स हैं, आर्ट्स और कॉमर्स जी, एम एन का तैयारी रखा है। अच्छा, जो आर्ट्स और कॉमर्स जो सब्जेक्ट लिए हैं, ये को बता दूं आपको कि ये सब्जेक्ट जो लेते हैं बच्चे, उनके लिए भी एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि इससे बहुत सारे फील्ड आपके क्षेत्र भी मिलते हैं। जैसे आजकल कहा जाता है एक मिथ कि साइंस लेने वाले बच्चे ही बहुत अच्छे रहते हैं, तो ऐसा नहीं है। मैं ये मिथ को हटाना चाहूँगा आपको बता के कि भाई आर्ट्स और कॉमर्स वाले बहुत अच्छा करते हैं, और बहुत अच्छा मैं कहना चाहूँगा, अगर आपने ये सब्जेक्ट लिया है, विषय लिया है, तो आपने बहुत अच्छा भी किया है, ऐसा नहीं है। देखिए, आपको पता है आप किस फील्ड में अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि भाई वो उस फील्ड को चुना है मतलब कुछ सोच समझ के, और अगर आपने सोच लिया है तो आपको करना है। तो इस सब्जेक्ट में आप क्या कर सकते हैं, देखिए इतिहास की बात है, आर्ट्स वालों के इतिहास कैसे कर सकते हैं, आप जिस चीज को आप पढ़ रहे हैं तो उसको अपने लाइफ से जोड़िए, आप उसको कहानी तरीके से आप कीजिए, पॉइंट टू पॉइंट आप उसको क्या कीजिए, तैयारी कीजिए। और मैं तो कहूंगा फ्लो डायग्राम, जैसे एक बात करते हैं कि किसी राजा की बात करें, इस कहानी की बात है, तो कब कहां से उसने चालू किया, आपने ब्लॉक में बना लिया, फिर उसको लाइन टू लाइन आपको एक तरीके से जोड़ सकते हैं, तो एक पूरा एक पेज में आपका क्या हो जाएगा, एक पूरा टॉपिक उसमें कवर हो जाएगा, कब उसने लड़ाई लड़ा, किस प्रकार से लड़ाई लिया, तो कब कब उसमें कौन कौन लड़ने आए थे, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। प्लस कॉमर्स वालों के लिए जो अकाउंट्स होता है, तो अकाउंट्स में क्या होता है, स्टैट्स जो होता है, स्टैटिस्टिक्स उसको बोलते हैं, सांख्यिकी, उसको आप क्या कीजिए, ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। और उसमें क्या होता है, चार्ट, पाई चार्ट, ये सब चार्ट होते हैं, तो उसको आप क्या कीजिए, ग्राफ के थ्रू ज्यादा से ज्यादा बनाने की आप कोशिश कीजिए। और प्लस साथ में आप जो सब्जेक्ट चूज किए हुए हैं, तो उसमें आपको पता है जो सब्जेक्ट आपको टफ लग रहा है, तो उसको आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। और देखिए, आपको बता रहा हूँ, प्रैक्टिस करते चलते हैं तो वो चीजें आपसे आसानी से होने लगती है। और थोड़ा सा सब्जेक्ट इजी होता है तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखे, इस चीज़ों को कोरिलेटेड लाइफ से करेंगे तो चीज़ें आप आसानी से आप कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो अतका सुघर सुघर जानकारी आप मन दिए हो कि कैसे 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा जिन साथी मन हमारे दिलाने वाला है, वो मन कैसे का कुछ तैयारी रखे, का स्ट्रेटजी रखे, का खान पान रखे, कैसे प्रेशर ला हैंडल करे जाए, हर बात ला बहुत सुघर ढंग ले आप मन सबके सामने रखे हो। हमला पूरा विश्वास है कि जो दर्शक ये कार्यक्रम ला देखा थे, जरूर जो आप मन टिप्स बताए हो कि कैसे तैयारी रखे जाए, का कुछ स्ट्रेटजी रखे जाए, बिल्कुल उखर जीवन में वो बहुत ज़्यादा सहायक सिद्ध हो ही। और अवैया जो एग्जाम है 10वीं 12वीं बोर्ड के, वहाँ बहुत अच्छा उखर परफॉर्मेंस देखे भर मिले, तो हमरो बहुत ज़्यादा शुभकामना है कि आप मन बहुत अच्छे तरीके से ये जो परीक्षा है ओला दिलावा और सफलता के झंडा गाड़ा। तो अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के कि आज हमारे स्टूडियो में आए हो, अतका सुघर जानकारी दिए हो हमारे जो 10वीं 12वीं बोर्ड के जो परीक्षार्थी है तेन मनला। तो हमला पूरा विश्वास है कि जो दर्शक ये कार्यक्रम ला देखिन है, बिल्कुल वो मनला सीखे ला मिले सो ही, समझे ला मिले सो ही कि कैसे तैयारी ला करे जाते हैं। तो अभिषेक, अब जात जात जो हमारे दर्शक है, खासकर 10वीं 12वीं बोर्ड के जो परीक्षा दिलाने वाला है, वो मल्ला अंतिम आप मन संदेश दे दो कि का कुछ अंत में पूरा सबला समराइज करके का कुछ आप मन कहना चाहता हूँ। देखिए, पहली बात तो आप सभी जो भी 10वीं 12वीं में हैं, उन सबको बेस्ट ऑफ लक। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप घबराइए मत,
आप ही इसको कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता, ये आपको मानना पड़ेगा। मतलब ये है कि आप अंदर, अगर आपका आत्मविश्वास है, अगर आपने वो सेल्फ कॉन्फिडेंस जगा लिया, तो आप बड़ा सा बड़ा मैच भी जीत जाते हैं, बड़ा सा बड़ा सब्जेक्ट भी आप पार कर जाते हैं। तो ये कहना चाहूँगा कि सबसे अंदर की खुशी सबसे बड़ी बात तब होगी जब रिजल्ट आएगा, जिस दिन, तो आपको पेपर से पहले मीडिया वाले आपके पास आ जाए, वो एक खुशी किसी के लिए नहीं हो सकती। तो इसके लिए आप दौड़िए। मतलब मैं कहना चाहूंगा जो भी टॉपर हैं, और जो टॉपर नहीं भी हैं, वो भी इसकी कोशिश कर सकते हैं। देखिए, बोलते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप कोशिश कीजिए। देखिए क्या होता है, भगवान बोलता है कि आप कोशिश करिए, कर्म करते चलिए, उसका फल आपको मिलना निश्चित है। और आप इस समय पे हार्डवर्क करते हैं तो आपको सफलता निश्चित ही मिलेगी। और प्लस आप डिसिप्लिन मेंट कीजिए। देखिए, अनुशासन हर जगह पे चाहिए। अगर आपने अनुशासन रख लिया तो आप बड़ी से बड़ी सफलता भी हासिल कर सकते हैं, कोई नहीं रोक सकते इस चीज को। बस इसी के साथ आपको मैं कहना चाहूंगा, नमस्कार। तो संगवारी हो, हमला पूरा विश्वास है कि ये कार्यक्रम के दौरान जो अभिषेक सिंह ठाकुर जैन साई प्रोफेशनल एकेडमी के चेयरमैन हैं, उनका द्वारा जो टिप्स दिए गए हैं, वो बिल्कुल आप मन के जीवन में सहायक सिद्ध हो ही। अवैया जो जो परीक्षा आने वाला है 10वीं बोर्ड के, ओमा आप मन बहुत अच्छा परफॉर्मेंस अब दे पाओ। तो आज के जो कार्यक्रम है गढ़बो भविष्य, वो कार्यक्रम में आज बस अतकिच मोला दो विदा। जय जोहार।